हेलो गाइस, मेरा नाम है स्निड मिस्ट और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि आपका मनोरंजन भी होता रहे और मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तो चलिए इस बात पे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो गाइज, आज के वीडियो में हम एक एनीमे बैटल को रिक्रिएट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जैसे एनीमे में हुआ था, क्या वही सेम चीज रियल लाइफ में भी हो सकती है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बेबलेट दिखाता हूँ, फिर आप गेस कर लो कि ये बैटल कब हुआ था। अगर आपको ये सब चीज मालूम है तो यार आप काफी नॉलेजेबल हो। तो ये है तीन बेबलेट्स। हमारा पहला बेबलेट है स्टॉर्म कैप्रिकॉन और इस अद्भुत अनोखे टिप के साथ, और फिर है थर्मल पाइसेस और है एल ड्रैगो। तो इन तीनों के बीच में आज हमारा बैटल होगा। मैंने ये स्टेडियम लिया है क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे अभी बीच में कि यार ये स्टेडियम यूज करो, डीबी में कांटेक्ट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो इसी के लिए मैंने यार ये स्टेडियम लेके आया हूं। मैं यार धोना पड़ा मुझे स्टेडियम, अब वो सुखाने का टाइम नहीं था, नहीं तो वीडियो बनता नहीं आज। इसीलिए चलो बैटल को शुरू करते। तो गाइस चालू करते हैं राउंड वन। जैसे कि एनीमे में था, एनीमे में तो बेसिकली एल ड्रैगो ने दोनों को एक साथ पछाड़ दिया था। देखते क्या होता है इसमें। अरे बाप रे, वो एक बेबलेट तो ऐसे ही बाहर चला गया और यहाँ पे इनका भी कुछ हालत ठीक नहीं लग रहा है। इनका नाम क्या है? थर्मल पाइसेस। अरे बाप रे, इतने कम स्पीड में भी इतना खतरनाक करारा अटैक और थर्मल पाइसेस का पूरा बैलेंस निकाल दिया है। शायद एल ड्रैगो लॉन्च नहीं हुआ सही में, क्या मालूम। देखते हैं क्या आउटकम आता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम वापस सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, बहुत सारे राउंड्स है। तो बाप रे, एल ड्रैगो यहाँ पे मतलब एल ड्रैगो यहाँ पे हार जाते हैं। तो गाइस चालू करते हैं राउंड टू। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। बापरे बापरे, कैप्रिकॉन यहाँ पे उड़ गया और एल ड्रैगो ने हमारे पाइसेस को भी उड़ा दिया है। एल ड्रैगो राउंड टू जीत जाते हैं। तो गाइस चालू करते हैं राउंड थ्री। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। और कैप्रिकॉन बाहर हो गए। अरे बापरे, एल ड्रैगो ने वापस एक ही झटके में दोनों को उड़ा दिया। तो गाइस चालू करते हैं राउंड 4। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये क्या मतलब। ओके, हम वापस ये राउंड करेंगे। कैप्रिकॉन भाग गया। तो गाइस चालू करते हैं राउंड 4। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। और यहाँ पे कैप्रिकॉन एज यूजुअल बाहर निकल गए। वो अपने बाहर अपने मजे में है और यहाँ पे एल ड्रैगो थोड़ा चक्कर काट रहे हैं। हमारे पाइसेस बेचारे बच गए बीच में। यार ये स्पाइसेस का स्पेशल मूव टाइप हो सकता है वैसे। स्पाइसेस का स्पेशल मूव यही होता है। देखते हैं अब कौन जीतता है। एल ड्रैगो अभी तक मेरे हिसाब से 2 पॉइंट निकाल चुके हैं। तो अगर ये पॉइंट एल ड्रैगो निकालते हैं तो वैसे देखा जाए तो एनीमे में जो होता है वही इसमें भी हो ही रहा है। यार फोकस हट गया था, माफी चाहता हूं। और यहाँ पे एल ड्रैगो जीत जाते हैं। तो गाइस चालू करते हैं आखिरी राउंड, देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। और कैप्रिकॉन उड़ चुके हैं। अरे बाप रे भाई, ड्रैगन एम्परर कुछ ज्यादा ही डरावने है। मतलब जैसे एग्जैक्टली हमारे, एक सेकंड, मैं कैप्रिकॉन को पकड़ के आया। कहाँ गया? ओ कैप्रिकॉन मेरा बेड के नीचे घुस चुका है। ओ भाई नसीब से बच गया। तो यार जैसा मैं कह रहा था यार, एल ड्रैगो एज यूजुअल भाई खतरनाक डीमन है, डीमन एल ड्रैगो।
तो आपको ना एक लास्ट बैटल दिखाता हूँ यार, कैप्रिकॉन और एलड्रैगो का। एक्चुअली कैप्रिकॉन के पास एक अच्छा स्पेशल मूव है, तो मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कैसे वो कूद रहा है। और ये देखो, ये मुझे बस दिखाना था आपको यार, एक बार अच्छा हो गया, फटाक से हो गया। तो यार ये कैप्रिकॉन का बेसिकली स्पेशल मूव है, मतलब भले ही आप इसको वर्स्ट फेवरेट कहो, पर इसका जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो मतलब तरीके से कूदता है और अटैक करता है, वो काफी जबरदस्त है और वो केओ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी खुद से देखा। तो बस आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।